மத்தசர்வம் ப்ரவர்த்ததே. இதி மத்வா பஜந்தே மாம். புதா பாவ சமன்விதாஹ மச்சித்தா மத்கத ப்ராணாஹ. போதயந்த பரஸ்பரம் கதயிஷ்யந்தி மாம் நித்யம். கதயந்தஸ்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி சரமந்தி ச தேஷாமேவ தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் ப்ரீதி பூர்வகம். ததாமி புத்தி யோகம் தம் யேன மாமுபயாந்தி தே. தேஷாமேவானுகம் பார்த்தம் அஹமஜ்ஞானஜம் தமஹ நாஶயாம்யாத்ம பாவஸ்தஹ ஞானதீபேன பாஸ்வதா ஞானதீபேன பாஸ்வதா அர்ஜுனவாச பரம் ப்ரஹ்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவமஜம் விபும். ஆஹுஸ்த்வா மிருஷயஸ் சர்வே தேவர்ஷிர் நாரதஸ்ததா அசிதோ தேவலோ வ்யாஸஹ ஸ்வயம் சைவ ப்ரவீஷி மே சர்வமே தத்ருதம் மன்யே யன் மாம் வதசி கேஷவ. நஹி தே பகவன் வ்யக்திம் விதுர்தேவானதானவாஹ ஸ்வயமேவாத்மநாத்மானம்
विद्धत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेशः देवदेव जगत्पते भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् भगवन्मया केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् शृण्वतो नास्ति मे मृतम् अर्जुन उवाच यथोक्तां भगवतो विभूतिं योगं च श्रुत्वा अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परमात्मा परं धाम परं तेजः पवित्रं पावनं परमं प्रकृष्टं भवान् पुरुषं शाश्वतं नित्यं दिव्यं दिवि भवं आदिदेवं सर्वदेवानां आदौ भवं देवं अजं विभुं विभवनशीलं ईदृशं आहुः कथयन्ति त्वां ऋषयो वसिष्ठादयः सर्वे देवर्षिः नारदः तथा असितो देवलोपि एवमेव आह व्यासश्च स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वम् एतत् यथोक्तं ऋषिभिः त्वया च तद्ऋतं सत्यमेव मन्ये यद् मां प्रति वदसि भाषसे हे केशव
नहीं ते तव भगवन् व्यक्तिं प्रभवं विदुः न देवान् दानवाः यतस्त्वं देवादीनाम् आदिः अतः स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थ त्वं निरतिशय ज्ञानैश्वर्यबलादि शक्तिमन्तं ईश्वरं पुरुषोत्तमम् भूतानि भावयतीति भूतभावनः हे भूतभावनः भूतेश भूतानाम ईश हे देवदेव जगत्पते वक्तुं कथयितुं अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः आत्मनो विभूतयः याः ताः वक्तुं अर्हसि याभिर्विभूतिभिः आत्मनो माहात्म्यविस्तरैः इमान् लोकान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यां विजानीयाम् अहं हे योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु वस्तुषु चिन्त्योऽसि ध्येयोऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं योगैश्वर्यशक्तिविशेषं विभूतिं च विस्तरं ध्येयपदार्थानां हे जनार्दन अर्दतेः गतिकर्मणो रूपम् असुराणां देवप्रतिपक्षभूतानां जनानां नरकादिगमैतृत्वात् जनार्दनः अभ्युदय निःश्रेयसपुरुषार्थप्रयोजनं सर्वैः जनैः याच्यते इति वा भूयः पूर्वमुक्तम् अपि कथय तृप्तिभिः परितोषो यस्मात् नास्ति मे शृण्वतः त्वन्मुख निःसृतवाक्यामृतम् ओम नारायण सो 11 श्लोकों तक प्रभु ने अपने योग और विभूति का वर्णन किया और अंतिम 4 मंत्रों में फिर से भक्ति की महिमा को प्रकट करते हैं। जो जानने वाले लोग हैं बुधाः माम भजन्ते और उनका भजन कैसा होता है तो उनका चित्त धीरे धीरे मेरे चिंतन में ही रस की इतनी अनुभूति करता है कि वो फिर और किसी विषय की ओर जाना नहीं चाहता। तो मच्चित्ताः प्रभु की शरण इतनी सुरक्षित है, इतनी अधिक निश्चिंतता देने वाली है कि फिर वृत्ति अपने योगक्षेम की ओर जाती नहीं। जो असुरक्षा की कदाचित भावना सभी में रहती है तो उस भावना का निर्मूलन हो गया, जीवन प्रभु में अर्पित हुआ, मदगत प्राणाः मदगत जीवनाः, जीवन प्रभु के हाथों में है, प्रभु की कृपा में है, प्रभु की आज्ञा में है,
प्रभु की ओर है, ऐसा जब होने लगे तब उस व्यक्ति के लिए बोलते हैं मद्गत प्राणाः। और जब चित्त प्रभु की ओर लगा रहे गाढ़ रसानुभूति के कारण और अन्य विषय में जाने में रुचि न रखता हो तब बोलते हैं मच्चित्ताः। बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम्। ये शत्रु प्रत्ययांत बहुवचन शब्द है, कथयन्तः बोधयन्तः इत्यादि। बोधयन् शब्द है प्रथमा में, फिर उसका बहुवचन बनेगा बोधयन्तः, ऐसे जैसे भगवन शब्द से बनेगा भगवन्तः ऐसे। तो कथयन्तश्च मैंने इस विभक्ति का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि इसमें सातत्य का बोध होता है, शत्रु प्रत्यय सातत्य की बोधक प्रत्यय है। तो कथयन्तश्च माम नित्यम, बोधयन्तः माने निरंतर वही क्रिया होती है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो ऐसा जो करने वाले लोग हैं वे तुष्ट होते हैं, इसी में तुष्ट होते हैं, इसी में रमते हैं। ऐसी जिनकी भक्ति हो गई, ऐसा जिनका समर्पण हो गया, भगवान कहते हैं मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। वो सारे आयोजन मैं स्वयं करता हूँ, वो सारे संयोग मैं स्वयं बनाता हूँ जिससे उनको परमा की प्राप्ति हो जाती है, जिससे उनकी परमा रूप ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो जाता है। मैं ही वास्तव में अर्जुन अपने भक्तों के भीतर अविवेक से उत्पन्न हुए मिथ्या प्रत्ययों का निवारण करता हूँ। अज्ञानजम तमह नाशयामि, अज्ञानजम अविवेकतः, तमह मिथ्या प्रत्यय लक्षणम मोहांधकारम। ये मिथ्या प्रत्यय क्या है? जीवः अहम्, अहम् सत्ता किम् जीवः, ये सबसे बड़ा मिथ्या प्रत्यय यही है। जगत सत्यम, मिथ्या प्रत्यय के दो कम से कम दो रूप हैं, अनात्मनि आत्मबुद्धि ही जगति सत्यबुद्धि। जगत में सत्यबुद्धि और अनात्मा में आत्मबुद्धि। उसी आत्मबुद्धि के कारण आत्मनि यथार्थ आत्मनि परिच्छेद प्रत्यय, ये मिथ्या प्रत्यय हुआ। जगत में सत्य बुद्धि होने से सत्ता नाना रूप है और जायमान नश्यमान है, विकारी है ये। सो इस प्रकार से ये मिथ्या प्रत्यय अविवेक के कारण उत्पन्न हुआ है। भगवान कहते हैं जब वो इस तरह की भक्ति करता है तो मैं उसके भीतर के इस मिथ्या प्रत्यय को नष्ट करता हूँ। मिथ्या प्रत्यय का निवारण करने के लिए ही यथार्थ प्रत्यय की आवश्यकता है, प्रमा की आवश्यकता है। उस प्रमा को ही कहा गया यहाँ पर ज्ञान दीप, प्रज्वलित ज्ञान दीप। इतना श्रवण करने के बाद
अर्जुन तो बोलना आरंभ करते हैं। 7 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं और इन 7 श्लोकों में केवल एक आग्रह है, वास्तव में कोई विशेष प्रश्न नहीं है। ये जरूर है कि जो भगवान ने पहले कहा है उसको वो दोहराते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? नमे विदुः सुरगणाः प्रभवम्, दूसरा श्लोक है, न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजमनादिं च यो माम् अजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरं सर्वपापै विमुच्यते। सो सब मुझसे पैदा हुए हैं, निर्विकार परमात्मा से पैदा हुए हैं। सो यदि प्रभव है तो मुझसे है, यदि उनकी स्थिति है तो मुझ में है, यदि लय है तो मुझी में लय है। चाहे वो वृत्ति हो और चाहे वो वृत्ति से भासने वाला बहिर्प्रपंच हो, ये दोनों का दोनों ही, माने अंतर्बाह्य जो प्रपंच है। चौथे श्लोक में अंतर, चौथे पांचवें श्लोकों में अंतर प्रपंच का वर्णन है और 6वें श्लोक में बाह्य प्रपंच का वर्णन है। कोई ये न समझ ले कि अंतर प्रपंच प्रभु से प्रकट हुआ लेकिन बाह्य प्रपंच पता नहीं प्रकृति से शायद पैदा हुआ होगा, ऐसा नहीं। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं जो प्रभव स्थान हूँ वो सबका हूँ, केवल वृत्तियों का नहीं, केवल बाहर के प्रपंच का नहीं, केवल देवताओं का नहीं, केवल महर्षियों का नहीं। अहमादिर ही देवानाम, तो केवल देवता नहीं, इसका निगमन वाक्य का क्या है? 8वां, अहम सर्वस्य प्रभव। उस सर्वस्य को ही समझाने के लिए पीछे के श्लोक है। तो भगवान ने ये बात कही और साथ में ये भी कह दिया, नमे विदुः सुरगणाः महर्षयश्च, हे मेरा जो प्रभव है वो देवता लोग और महर्षि दोनों लोग ही नहीं जानते। नमे विदुः सुरगणाः प्रभवम् न महर्षयः। अब देखो अर्जुन इस बात को दोहराते हैं। अर्जुन क्या बोलते हैं? परम ब्रह्मा, परमात्मा, आपके बारे में, ये 13वें श्लोक को पहले देख लें, त्वाम ऋषयः आहुः, आपके बारे में, आपके विषय में आपको ऋषि लोग ऐसा बोलते हैं, ऋषयः त्वाम आहुः, हे प्रभो, हे जगतपते, हे भूतेश, हे भूत भावन जनार्दन, परमात्मा मेरे प्रभु, त्वाम ऋषयः त्वाम आहुः, ऋषि लोग आपके बारे में बोलते हैं। कौन से ऋषि? सर्वे ऋषयः, ये दर्शनवंतः, ये ज्ञानिनः, ये जानन्ति, ते सर्वे एव त्वाम आहुः, वो सब के सब आपके बारे में यही बात बोलते हैं। मैं कुछ नाम बोल देता हूँ, कौन से? देवर्षिर नारदः, मनुष्यों में जो ऋषि हैं वो तो सब बोलते ही बोलते हैं, देवताओं में जो ऋषि हैं नारद, वो भी देवर्षिर नारदः तथा तथा एव आहुः, तथा एव वदति नारदोपि। अच्छा, ऋषि में से असितः, ये ऋषि का नाम है, असितः, देवलः, व्यासः, ये प्रमुख प्रमुख ऋषियों के
अर्जुन ने नाम लिए। इसका क्या अभिप्राय हुआ कि अर्जुन का इन लोगों से सत्संग हुआ होगा, कम से कम व्यास भगवान से जरूर हुआ होगा, असित ऋषि से जरूर हुआ होगा, देवल ऋषि से जरूर होगा। तभी वो बोलते हैं कि इन लोगों ने भी ऐसा ही कहा था। सर्वे ऋषयः एते त्वाम आहुः, आपके बारे में ऐसा बोलते हैं। इतना ही नहीं, देवर्षि ही नारदस्तथा, देवर्षि नारद भी ऐसा ही बोलते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं चैव ब्रवीषित मे, और स्वयं आपने प्रभु दूसरे के बारे में दूसरा कोई बतावे, संभव है उसका अपना दृष्टिकोण होगा और संभव है कि कई बातें उससे छूट गई होंगी। दूसरे के बारे में हमारा ज्ञान पूरा होता नहीं है, हम जितना बताते हैं उतना ही दुनिया जानती है, जो हम छिपा के रखते हैं वो छिपा रहता है। अगर वो हमारे हित में नहीं है तो व्यक्ति पता नहीं कितनी ऐसी बातें हैं जो जीवन भर छिपा के रखता है और उस बात के साथ ही वो मर जाता है। अथवा महत्वपूर्ण न हो तो सब बातें बताता थोड़ो है, ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है नहीं बताने की, लेकिन बताने का भी कोई प्रसंग नहीं है तो भी नहीं बताता। तो असल में तो पूरा ज्ञान तो तभी हो जब व्यक्ति स्वयं प्रसन्न हो जाए हैं? और स्वयं के बारे में स्वयं बतावे। क्या बोलते हैं? स्वयं चैव ब्रवीषि मे, ऋषि लोग बोलते हैं, देवर्षि बोलते हैं, भगवान वेद व्यास बोलते हैं, और स्वयं आप मेरे ऊपर, में माने मह्यम, मुझको, मेरे ऊपर कृपा करके मेरे लिए आपने स्वयं भी बोला है। क्या बोला है? परम ब्रह्मा। आप कौन हो? ऊपर के श्लोक में जाएंगे, आप परम ब्रह्म हो, अपरम नहीं, परम ब्रह्म, परमात्मा, परम धाम, समस्त जीवों का अंतिम शरण स्थान, जहां उसका संसरण समाप्त होता है, वो धाम प्रभु आप ही हो। जब तक इस धाम में प्रवेश न हो तब तक आ ब्रह्म भुवनाल्लोकात् पुनरावर्तिनो हि सह, तब तक संसरण बना ही रहता है। परम ब्रह्म, परम धाम, यही नारद जी ने बताया था कि भगवान ही परम धाम है। एक बार व्यास जी ने भी ऐसा ही बताया था। वो अर्जुन को कभी पीछे जो हुआ कभी कभी का सत्संग है वो स्मरण में आता है। बोले महाराज, असित ने भी ऐसा ही कहा था कि ये जो आपके साथ मिलने आता है कृष्ण, ये कोई ग्वारिया नहीं है, न खलु भवान गोपिका सुता है, ये कोई गोप नंदन है अथवा वसुदेव नंदन नहीं है, ये तो इसका लीला विग्रह है, ये तो परम ब्रह्मा, यशोदा के आंगन में खेलने वाला ब्रह्म परमात्मा है। सो केवल भगतन हित लागे, तेषाम एवानुकंपार्थम, ये तो केवल भक्तों की भक्ति की अपेक्षा से उपहित चेतन है। ये न बोल देना कि अवतार होता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं होता।
एक बार उपाधि की बात आ गई तो फिर तो तत्तत् उपाधि में उपहित होकर के, माने उस संदर्भ की अपेक्षा से प्रभु सर्वरूप में भास सकते हैं और क्या बोले जड़ रूप में भास सकते हैं। ये जगत रूप में कौन भास रहा है? पेड़ पौधे नहीं, पत्थर, नदी, दीवाल, जब सब रूप वही है, ये तो केवल उपाधिक की बात है। तो बताया था मुझको और मेरा विश्वास भी था, ऐसा नहीं कि मेरा कोई अविश्वास था। और बीच बीच में आपका वैभव भी देखने को मिलता ही रहता था। तो भक्त तो अर्जुन तो आरंभ से ही भक्त है। वो कभी उसने वो कहा जरूर है उसने कि मैंने आपका अपमान किया, लेकिन अपमान तो अर्जुन क्या अपमान करेगा, वो तो खांडव प्रस्थ से हैं, इंद्र प्रस्थ बनाने वाले भगवान ही हैं। कदम कदम पर परमात्मा ने इन लोगों की रक्षा सुरक्षा की है। सभी की भक्ति थी, पांडव में तो कोई ऐसा था ही नहीं जो अभक्त हो। कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, अभिमन्यु तो शिष्य ही था, परीक्षित, परम भागवत, ये तो पांडव वंश की निर्मलता यही है ना कि सर्वे जनाः भक्ताः, उनकी यही दशा थी। तो अर्जुन ने सुना तो बहुत था, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, आप परम पवित्र हो, आपके सन्निधि में आने से पवित्रता हम लोगों में आ जाती है, आपकी कथा सुनने से हमारे चित्त में पवित्रता आ जाती है, आपके चरित्र श्रवण करने से हमारे चरित्र में पवित्रता आ जाती है। ये कोई पवित्रता एकांगी नहीं है, सर्वांगी है। लीला श्रवण से सोई स्वच्छता सो कहो बखानी, लीला सगुण, ये भगवान गोस्वामी जी लिखते हैं। सगुण की लीला ही स्वच्छता है, हृदय को निर्मल करती है, चित्त को विषय से निकाल करके प्रभु की ओर खींच लेती है। लीला में वो माधुर्य है कि चित्त को खींचती है वो, और फिर लगता है कि उनकी लीला में जो रस है वो जगत के नाटक प्रपंच में है नहीं। तो सर्वम पवित्रम एव, लीला अपि पवित्रम, रूपम अपि पवित्रम, चरित्रम अपि पवित्रम, स्वरूपम तु पवित्रम एव। स्वरूप की पवित्रता कैसी है? न तत्र द्वितीयोस्ति, अपवित्रता कहाँ से आती है? दूसरे के मेल से अपवित्रता आती है। पानी अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है ये कहना चाहिए, यदि उसमें दूध मिला दो। ये देखो, जो जैसा है उसी रूप में वो रहे तो पवित्र है। आकाश परम पवित्र है क्योंकि वो असंग है, दूसरा उसमें मिल नहीं पाता। परमात्मा, परमात्मा न केवल असंग है बल्कि अद्वितीय है। दूसरा नहीं मिल पाता वो छोड़ो, दूसरा है नहीं, ऐसा है। परमं पवित्रं भवान, त्वं भवान दोनों चल रहा है, त्वाम ऐसा भी बोल रहे हैं और यहां लिखा भवान आपके बारे में।
आप ऐसे हो प्रभु, आप परब्रह्म हो, आप परम धाम हो, आप परम पवित्र हो। शाश्वतम पुरुषम त्वमेव त्वामेव, आपको ही ऋषि नारद ने कहा था यही है वो शाश्वत पुरुष जिसके साथ तुम घूमते हो, जिसके साथ सोते हो, बैठते हो, मनोरंजन करते हो। अर्जुन का बड़ा भाग्य था भाई, भगवान उसी के साथ सो जाते थे। ये अर्जुन जो है भगवान का विरह सह नहीं पाता था, इसलिए दो बार द्वारिका गए भगवान, दोनों बार अर्जुन साथ में ही गया। हस्तिनापुर रहेंगे तो दोनों रहेंगे, और नहीं तो पता चला कि दोनों पहुंचे द्वारिका। ये ऐसी दशा है, बड़ी मुश्किल से अर्जुन वापस आते हैं। दूसरी बार जब भगवान आए तो दूसरी बार फिर गए छोड़ने, और तब वो अंतिम लीला हुई, लीला स्मरण किया भगवान ने, तब अर्जुन को कहा, आदेश दिया, अंतिम आज्ञा अर्जुन को प्राप्त हुई कि द्वारिका की रानियों को, स्त्रियों को, सबको ले जाओ वृंदावन। जो आज्ञा अर्जुन पूरी नहीं कर सका बेचारा, बीच में महाराज वनवासियों ने लूट लिया, वही अर्जुन और वही बाण तद्वै धनु, वही धनुष था लेकिन लूट लिया। तो अर्जुन का इतना आसक्ति थी भगवान से, बड़ा ही सौभाग्य था उसका। रणभूमि में भी एक ही शिविर में बैठ करके ये लोग महाराज अपना मनोरंजन करते थे, एक ही साथ देखे जाते थे, ऐसा प्रेम था इनका। तो त्वाम और भवान सब चलता रहता है। क्या बोलते हैं, पुरुषम शाश्वतम अर्जुन, एक बार व्यास जी ने कहा ये शाश्वत पुरुष है जो बीच बीच में तुम्हारे बुलाने से आ जाता है, भक्तों का दास है ना ये, अहम भक्त पराधीन सहज स्नेह विवस रघुराई। भगवान कहाँ स्वाधीन किधर है, तो बोले मालिक साहब ऐसा बोला बताया गया था, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, अलौकिक हो आप, आदिदेवम, सर्वप्रथम आपकी सत्ता है, अजम, आपका जन्म नहीं हुआ, ऐसा बोलते हैं लोग। मैंने सुना कि आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भाद्रपद में जो आने वाली है, और ब्रह्मचारी लोग और सभी लोग मिलके जिसका है क्या कृष्ण जन्मोत्सव मनाने वाले हैं, ऐसा कल मुझे ज्ञानेश्वर कह रहे थे, इस बार जो है धूम धड़ाका से मनाएंगे। हमने कहा अच्छा चलो भाई, धड़ाका जरूर करो, धूम मत करना बस। वो कह रहे थे इस बार अनिल को आगे करेंगे, अनिल से आइडिया लेंगे कि कैसे सजाना है। ठीक है, बिल्कुल पक्का। मैं तो सोच रहा था कि तिवारी जी को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन नहीं, वो सुनील तिवारी जी को, लेकिन उनको जो है आप लोगों ने चक्कर में डाल रखा है, क्या करें जाए, या अम्मा ने डाल रखा होगा। अब तो ठीक हो गया, हाँ इस बार चलो धूम भी कर लेना, उसमें क्या है। मैंने तो कल कहा था केवल धड़ाका करना, लेकिन धूम भी करो, चलो हम भी बैठेंगे, आधी रात तक जो है बैठना है,
आधा आधा केला खा खा करके, पूरा नहीं ध्यान रखना। घंटी जरूर बजेगी लेकिन केला आधा ही मिलेगा। घंटी बजेगी ब्रेकफास्ट टाइम पे, लोग जाएंगे जैसे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हों, ऐसे कुछ कुछ होगा। अच्छी तरह से कुछ करो आप लोग, बढ़िया। क्यों नंद बाबा, ठीक है? अरे तो यदुमणि तो तुम खुद ही हो तो, तो नारायण हैं। बढ़िया काम। लेकिन ये अर्जुन बोलता है कि हमको हर बार बोलते थे नाना, ऐसा थोड़ो है, जन्माष्टमी के दिन पैदा नहीं हुआ, अजम है। ये देखो लिखा, चाहे जितनी मर्जी कोई कहे हम लोग तो मनाएंगे। अरे उसने हमको जन्म दे दिया तो हम उसको जन्माए बिना छोड़ नहीं सकते। वो अकेले अजम थोड़ो है, हम भी तो अजम है, लेकिन हमको जो है महाराज उसने जन्मा दिया तो फिर हम छोड़ेंगे? ये तो बदला लेना है, दुनिया को बताएंगे कि इसका जन्म हुआ था। ये महाराज, ये वैदिक धर्म में ही संभव है। तुमने हमको मनुष्य बनाया, हम तुमको बनाए, तुमको सूअर बनाएंगे। ऐसा ऐसा महाराज अवतार करवाया है, बताइए। नरसिंह बना दिया, खंभे से निकाला। कल मैं कह रहा था कि भगवान को लॉजिक पसंद नहीं है, जब सगुण लीला में आते हैं तब उनको तो हमेशा जो है माँ के गर्भ से ही प्रकट हों, ये अच्छा नहीं लगता उनको। एक दिन खंभे से ही निकल आए, बोले मैं आता हूँ, फाड़ के खंभा बाहर आ गए। बताओ क्या लॉजिक लगाओगे, हैं? बहुत बढ़िया, पालक को झूला लगाना, झूला है कि नहीं, बढ़िया उसको सजाओ, छोड़ेंगे नहीं इस बार। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम। बोला इन लोगों ने, विभु है। ठीक है अर्जुन, ये तो ऋषि लोग बोलते हैं, देवर्षि लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, तुम क्या बोलते हो ये बताओ। अब ये उद्धरण दे दे करके काम नहीं चलेगा, तुम बताओ तुम क्या बोलते हो। बोले मैं ये सब सच मानता हूँ, मेरी क्या हैसियत कि मैं बोलूँ। मैं केवल इतना बोल सकता हूँ क्या, कि जो इन लोगों ने कहा वो सब का सब बिल्कुल सत्य है। सर्वम एतद् 14वां, सर्वम एतद् ऋतम मन्ये, जो जो कहा गया है वो सब का सब मैं बिल्कुल 200% सत्य मानता हूं, प्रभु मुझे कोई शंका नहीं, मुझे किंचित भीतर प्रश्न की कोई गंध भी नहीं है, रेखा भी नहीं आती है कि पता नहीं ये जन्म हुआ था अजम कैसे बोलते हैं, ऐसा मन में आता नहीं। ये श्रद्धा है ना, श्रद्धातिशय, केवल विचार नहीं है, केवल विचार में तो आदमी भटक भी जाता है। श्रद्धातिशय, भक्ति समर्पण, वो बोलता है सर्वम एतद् ऋतम मन्ये यत माम बदसि केशव, आप जो कह दो सब सत्य ही लगता है मुझको। ये दिन को रात कहो, मैं एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए नहीं बोलूंगा कि ये गलत बोल रहे हैं।
भैया ये दुनिया में झूठों के प्रति ऐसी श्रद्धा हो जाती है तो भगवान के प्रति होने में क्या दिक्कत है। ये तो समर्पण है जो ये करवा देता है। किसी के प्रति मन समर्पित हो जाए, किसी के प्रति मन विसर्जित हो जाए, तो वो आदमी जो बोलता है वो ठीक लगता है। तारे खिले हैं, सरासर झूठ बोलता है। तेरे को झूठ लगता है, मुझे तो लगता ही नहीं झूठ है, ठीक तो है। ऐसा मानने में मन को सुख लगता है। किसी ने कहा तुमको इतना झूठ पचता कैसे, तारे कहीं हैं नहीं, तुम कहते हो तारे खिले हैं। रात को वो कह देता है आदमी की सूरज है, चमक रहा है, तुम कहते हो हाँ चमक रहा है। बोली ये सब तुम कैसे मानते हो। बोले मुझे तारे सूरज से थोड़ो मतलब है, जो कह रहा है उससे मतलब है। उसका प्रेम, उसका मनोभाव मुझको चाहिए क्या? हमने कभी देखा ही नहीं मुड़के कि तारे खिले हैं कि नहीं खिले हैं, क्या जरूरत है देखने की। उसने कहा हमने माना, इसको बोलते हैं श्रद्धा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ तारे खिले हैं कि नहीं खिले हैं। मैं कोई जांच कमेटी का सदस्य नहीं हूं, मैं तो भगवान का भक्त हूं। वो जो कहते हैं वो ठीक है। दिन को रात, रात को दिन, ये छोटी बात है। अगर वो कहें जीव ब्रह्म है तो वो मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हो उपासक लोग तो मान करके ही उपासना करते हैं ना, अहम ग्रह उपासना के अनुभव करके करते हैं। जीव को ब्रह्म मानने में दिक्कत नहीं है और दिन को जो है रात मानने में दिक्कत है, काहे को दिक्कत है। जो दिन को रात नहीं मान सकता वो जीव को ब्रह्म क्या मानेगा। नारायण, ये अपनी बुद्धि जब तक अभिमान ग्रस्त रहती है ना, तब तक ये सब चीजें चलती रहती हैं। मैं देखूंगा दिन है कि नहीं है, मैं देखूंगा कि तारे हैं कि नहीं है। क्यों भाई, मुझे दूसरे की बुद्धि पर श्रद्धा नहीं है। अच्छा, अंधश्रद्धालु नहीं हूं मैं, महाराज जी बोलते थे। बोले तुम तो हो तो अंधश्रद्धालु ही, हां दूसरे की बुद्धि पर नहीं अपनी बुद्धि पर। दूसरे की बुद्धि गलत और तेरी बुद्धि सही, वो कभी धोखा नहीं दिया आज तक उसने। देखो दूसरे की बुद्धि ने शायद एक दो बार धोखा दिया होगा, हाँ तुम्हारी बुद्धि ने अनादि काल से धोखा देते चली आ रही है और तुम सही गलत की जांच हर बार हाँ अपनी बुद्धि से करते हो। श्रद्धा तुम्हारी सारी उधर है। ये श्रद्धा की दुनिया बहुत लेयर बाय लेयर अलग हो जाती है। जिसमें भक्ति है उसकी जांच क्या, जो ठेका ले रखा है ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसा है ये, क्या बड़ा वाक्य है। सर्वम एतद्रतम मन्ये यत माम बदसी, इसलिए तो कहा ना प्रिय माणाय, अर्जुन तेरी आंखों में प्यास दिखती है मुझको और चेहरे पर तृप्ति भी दिखती है। ये ऐसा ही है जैसे
मधुर मीठा अमृत में जल हो, प्यास बुझे नहीं जल कम न हो। ठीक है, प्यास बुझे नहीं जल कम न हो, ऐसी है महाराज जी की याद आ रही है। वो बोलते थे भक्ति की तृप्ति का स्वरूप यही है, अतृप्ति ही तृप्ति है। क्यों? क्योंकि उसी में ये शब्द छिपेगा, प्रतिक्षणम वर्धमानम। नहीं तो एक बार पूरा हो गया तो वर्धमान किधर? सर्वमेतद्रतम मन्ये यन्माम वदसि। केशव, एक केशव जो तुम बोली, दसवां अध्याय है ये, दूसरा नहीं। न योत्से, अरे ये तो बिल्कुल जो है जैसे बच्चा जो है नट जाए वैसे हो गया। न योत्से, अरे रामा अभी क्या बोलते हैं? यन माम वदसि सर्वम सत्यम मन्ये। हे केशव, आपने कहा था ना देवता लोग मेरे उत्पत्ति को नहीं जानते, नहीं जानते। नहीं ते भगवन व्यक्तिम, व्यक्ति मने उत्पत्तिम, प्रभवम व्यक्त होना। नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवान दानवाहा। न दानव जानते हैं आपके प्रभाव को, न तो देव जानते हैं। आपने कहा था, मैं बिल्कुल वैसा ही मानता हूं। मैं तो ये भी कहूंगा तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। ये श्लोक वहीं से आया है, मैंने वो वाक्य इस श्लोक से आया है। क्या बोलते हैं? स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ। अगर कोई आपके बारे में जानता है हाँ, तो आप स्वयं जानते हो, और कोई नहीं जानता। आपका कितना प्रभाव है देखना। योग जो है ना याथार्थ में, उसको तो तत्वतः जानने वाले ज्ञानी कहलाते हैं। लेकिन जो वैभव है ना परमात्मा का, वो केवल परमात्मा ही जानता है। स्वयमेव आत्मना आत्मानं त्वं वेत्थ। त्वं वेत्थ तुम जानते हो, स्वयमेव त्वं वेत्थ केवल तुम ही तुम्हारे बारे में जानते हो। अरे रामा, हे पुरुषोत्तमा, अब तो महाराज लगता है कि जो अर्जुन है ना वो पिघल रहा है, द्रवित हो रहा है। भक्ति ने उसके अंतःकरण को पिघला दिया, द्रवित की दिया। हिज पर्सनालिटी इज मेल्टिंग, द्रवीभूत हो गया व्यक्तित्व। कैसा बोलता है देखो, संबोधन पर संबोधन है। हे पुरुषोत्तमा, जैसे उन्मत्त तो हो गया हो, है? भाव विवल हो गया हो। हे भूत भावन, ये सारे संबोधन भी भक्ति हैं। हे भूत भावन, समस्त भूतों की पालना करने वाले आप ही हो। हे भूत भावन, हे भूतेश, समस्त भूतों के आप ही एकमात्र ईश हो। हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते। पांच संबोधन एक श्लोक में दिया अर्जुन ने। मनोभाव देखो, शब्द से ज्यादा अर्जुन की मनस्थिति देखनी चाहिए। किस मनोदशा में होगा वो बोलता है हे पुरुषोत्तमा, हे जगतपते, हे देवदेव, हे भूतेश, हे भूत भावना। भगवान को विवश करता है बोलने के लिए, यही सब चक्कर है। जिसकी वजह से भगवान ने कहा भूया ये यार तू शांति से बैठ जरा, मैं बोलता हूं, फिर से बोलता हूं। तू तो बिल्कुल ही विवल हो गया।
भगवान ने कहा मैंने बोल तो दिया, अब क्यों? बोले नहीं 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 ऐसे नहीं, अशेषेण वक्तुम अरहसी, ये आपने बहुत ज्यादा संक्षेप में बता दिया अपने योग के बारे में, अपने विभूति के बारे में बहुत संक्षेप में बताया, अब क्यों इतना भूतेश भूत भावना? बोले महाराज रहा नहीं जाता, आप जो है अशेषेण वक्तुम अर्हसी, आपको अपने बारे में पूरा पूरा बताना चाहिए, अर्हसी माने योग्य हो माने चाहिए, हे प्रभो अब आप कुछ छिपाओ मत, अशेषेण वक्तुम अर्हसी दिव्या ही आत्मविभूतयः, जो दिव्य दिव्य आपकी विभूतियां हैं ना उसको आप पूरा बता दो, बचाओ मत छिपाओ मत। याभिर विभूति भी लोकान इमान स्त्वं व्याप्य तिष्ठसि हे केशव, इमान लोकान याभिर विभूति भी व्याप्य त्वं तिष्ठसि, जिन विभूतियों के द्वारा इन लोकों को घेर करके नारायण, इन लोकों को व्याप्त करके आप स्थित हो, सारे लोकों में आपकी विभूतियां छाई हुई हैं, सारे लोकों में आपकी विभूतियां बिल्कुल भरी हुई हैं। भगवान जब आगे बोलेंगे तब आपको और साफ हो जाएगा, पहले भी बोल चुके हैं रसो हम अपसु कौन थे, देखो वो विभूति के द्वारा जल को व्याप्त करके बैठ गए, आया ना, शब्द खे पौरुषम नृषु, ये तो ये जो व्याप्ति है ना ये स्वरूप की व्याप्ति नहीं है ना, विभूति की व्याप्ति है, ये आधा आधा मत पढ़ना, ये बहुत कच्चा वेदांती बिल्कुल गड़बड़ होता है, हर जगह सद ही लगाता है, सदरूप से व्याप्त है, सदरूप से व्याप्त है, अर्जुन बोल रहा है विभूति बताओ अपनी, वो भी तो मजा आता है ना उसमें भी, उसमें कोई कम मजा थोड़ो आता है। या फिर विभूति भी इमान लोकान व्याप्य तिष्ठसी त्वं तत्सर्वम अशेषेण माम वक्तुम अर्हसि, वो सब बताओ मुझको, एक भी छोड़ना मत। अर्जुन बहुत टाइम लगेगा, बहुत बड़ी दुनिया है और तुमने लोक में बहुवचन लगाया है इमान लोकान हैं, अगर मोहल्ले भर की बात होती तो शायद मैं कुछ बता भी देता, लेकिन ये लोक लोक नहीं, कैसा सारे सारे लोकों को व्याप्त करने वाली विभूतियां, मैं इतना बताऊं तो कैसे? बोले महाराज विस्तार चाहिए, अब सूत्र हमने पढ़ लिया, संक्षेप वृत्ति भी पढ़ ली है, अब विस्तार वृत्ति वार्तिक पढ़ने का मन है, ये देखो रसोत्पत्ति हो गई है ना, यही तो देखा था भगवान ने प्रिय माणा शब्द इसीलिए बोला था, बोले विस्तरेण और करना क्या है मुझको, और तेरे को लड़ाई लड़ना है, वो तो तब लड़ेंगे ना जब पूरा पहले सुन लेंगे, वो तो खड़े हैं लोग इधर भी खड़े हैं उधर भी खड़े हैं, ये तो पक्का ही है कि जब तक हम धनुष नहीं उठाएंगे कुछ होना तो है नहीं, तो बस काम निपल, ये काम हो जाए पहले बिल्कुल मस्त है। विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिम, अपना योग अपना वैभव, प्रभु
बहुत विस्तार से बताइए। हे जनार्दन, हे जनार्दन, विस्तरेण योगम विस्तरेण विभूतिंच कथय। ये आपने अध्याय शुरू किया था भूय एव। अब 11 श्लोक सुनने के बाद मैं कहूंगा भूय कथय। लो अर्जुन, भगवान ने क्या शुरू कैसे किया था? भूय एव। कभी कभी ऐसा मन में दृष्टांत आता है। हम लोग ना हिंदुस्तानियों को आदत है, बड़ी तृप्ति होती है जब सब्जी की दुकान पर जाते हैं तो जितने की खरीदी वो तो तौल के उसने दे दिया, फिर इसके बाद बोलते हैं घेलुआ दो जुंगा क्या होता है, हाँ ऐसे कोई मैं उच्च है हाँ जो भी है, मैं उच्चारण शायद पंजाबी ठीक ना हो पाए लेकिन आप समझते हो, हमारे बोलते घेलुआ। वो मिल जाए तो समझो जगत खरीद के चले आए हैं। वो भी रखे रहता है, थोड़ा सा धनिया एक आध मिर्च डाल दिया, ये भूये भाई। भाई सातवें में बोल चुके, आठवें में बोल चुके, नवें में बोल चुके, अब इसकी तृप्ति नहीं होती है तो दसवें में कहा उन्होंने भूये भैया ले तो गेलुआ ले। आठ नौ श्लोकों में घेलुआ दिया उन्होंने समेट करके। अर्जुन पूरा सुन लिया, इसके बाद बोला ये तो लगता है मैंने इसकी कीमत दी थी, ये तो मूल हो गया। भूय कथा है, ये देखो दोनों ओर से भूया भूया है। बढ़िया मालिक साहब की ऐसी लीला है, भगवान अधिकारी बना दे, थोड़ा थोड़ा रस देने लगते हैं तभी मजा आने लगता है। उन लोगों की सोचो हे जनार्दन भूय कथय श्रृणवतः अमृतम श्रृणवतः मे तृप्तिर नास्ति। क्या बोलते हैं अर्जुन? अमृतम श्रृणवतः, ये जो मैं सुन रहा हूं ना ये कोई शब्द थोड़ो है, ये तो कर्णरंध्र से संजीवनी धारा, कर्णरंध्र से अमृत धारा निषिक्त हो रही है, इसको बंद मत करिए। भूय कथय श्रृणुतो नास्ति तृप्तिर मे मृतम अमृतम श्रृणवतः मे तृप्ति ही नास्ति। मे मने मम तृप्तिर नास्ति, मुझे कोई तृप्ति नहीं है, प्यास बढ़ गई। यहां आग्रह है, एक विनय है, एक प्रार्थना है अर्जुन की ओर से, कोई प्रश्न नहीं है। सात श्लोक में भाव का उद्गार है, श्रद्धा प्रकट हुई है, सर्वम एतद्रतम मन्ये यन माम वदसि। अब देखो अनुसूयवे भी सिद्ध हो गया इसमें और प्रियमाणाए भी सिद्ध हो गया ना। जो अनुसूयवे शब्द आया था नवे में वो सिद्ध हो गया, सर्वमेतद रतम मन्ये, प्रमाण बुद्धि पूरी है, और प्रियमाणाय उसकी सिद्धि हो गई। भगवान जो देखते हैं वही बोलते हैं ना, अर्जुन में दिखाई दिया वो बोला, भगवान ने कहा हंत ये शब्द बोलते हैं भगवान। अर्जुन खेद है कि मैं तुम्हारे आग्रह को पूरा नहीं कर सकता, हंत शब्द बोलते हैं। श्री भगवान उवाच हंत ते कथयिष्यामि। हंत माने खेद है अर्जुन,
क्या खेद है, क्योंकि मैं तुम कह रहे हो विस्तरेण, मैं कहता हूं वो नहीं हो सकता। हंतते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूतयः, जो तुमने दिव्या कहा था वो मैं पूरी कर दूंगा। दिव्याः आत्मविभूतयः ते तुभ्यं कथयिष्यामि, तुम्हारे लिए मैं बोलूंगा। कौन सी विभूति? विस्तरेण नहीं, प्राधान्यतः। जो प्रधान प्रधान विभूतियां हैं ना अर्जुन, वही मैं बता पाऊंगा। क्यों? नास्ति अंतः विस्तरस्य में, ये जो छोटे छोटे लोग हैं उनका विस्तार भी शांत होता है। बोले मेरी संपत्ति जानते हो इतना है, दूसरे ने कहा इतना ही है, वही सब उसमें केवल ही लगाया बस। उसने क्या बोला था? इतना है, वो बीच में ही डाल दिया बस, इतना ही है बस, हो गया। मेरा बल इतना है, उसी में ही लगाओ बस, वो परिच्छिन्न समझ में आ जाएगा। भगवान के बारे में क्या बोलें, इतना है, उसमें ही घुस नहीं सकता। तत्र यंता नास्ति, गोस्वामी ने कैसा लिखा, इद मिथम कही जाई न सोई, कोई ये नहीं बोल सकता इदम इत्थम एव, ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं बोल सकता कोई, ये इतना ही है, ये नहीं कोई बोल सकता। स्वर्जुन खेद है कि मैं तुम्हारे अनुरोध को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि विस्तरस्य में विस्तरस्य अंतः नास्ति, मेरे विस्तार का, मेरे प्रभाव का, मेरे वैभव के विस्तार का कोई अंत नहीं है अर्जुन, मैं क्या बोलूं। इसलिए हे कुरु श्रेष्ठ, हे कुरु वंश के श्रेष्ठ, सुपरलेटिव है, कुरु वंश की महिमा यह है कि उन्होंने, उस वंश ने अर्जुन को जन्म दिया। कुरुवंश की महिमा ये नहीं है कि वहां भीष्म पितामह पैदा हुए, वो भी महापुरुष हुए, युधिष्ठिर जैसे महापुरुष पैदा हुए, ठीक है, लेकिन अर्जुन तो पांडवा नाम धनंजय उसमें, ये भीम को भीष्म को नहीं कहा भगवान ने, युधिष्ठिर को नहीं कहा। हे कुरुश्रेष्ठ, अरे कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारा अनुरोध, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा मुझको विह्वल करती है, मुझको विवश करती है, किंतु हंत, खेद है कि मैं उसको पूरा नहीं कर सकता, मैं खुद नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने शायद यही सब देख के लिखा, रामन सकहिं राम गुण गाई, नाम गुण गाई, सॉरी, रामन सकहिं नाम गुण गाई, नाम की महिमा राम नहीं बोल सकते। लो जी, वो हंत उन्होंने भी सुना होगा। हंत हंत ते कथयिष्यामि दिव्याहात्मविभूतयः, कुरुश्रेष्ठ प्राधान्यतः कथयिष्यामि, नहीं प्रभु विस्तरेण वक्तुम अर्हसि। बोले विस्तरेण, विस्तरस्य में अंतः नास्ति, इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा। अर्जुन को संतोष करना पड़ा। बोले महाराज अब बोले फिर प्रधान्यता ही सही।
शुरू और क्या शुरू हुए भगवान, कल चर्चा करेंगे उस पर। ये तो ऐसा है ना, बोलने मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है, पाठ करने में मजा आता है। अहम आत्मा गुड़ा के सस, यहां से शुरू करते हैं। योगम विभूतिम दोनों पूछा था, केवल विभूति नहीं, तो पहले ये बोल देते हैं योगम। अहम आत्मा गुड़ा के सह सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। लव जी, तो भूत किधर है? भूत तो महाराज उड़ गए। योग तो यही है कि मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में, मैं ही आदि में, मैं ही हूं। क्या भूत भूत बोलते हो, नजमस्थानी। यहां से शुरू करते हैं, फिर विभूति पर आते हैं। ओम, कल करते हैं ओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री हरि ओम।